बीजेपी नेता हाजी अराफात ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए आज दावा किया कि जल्द ही महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना विधायकों का दम घुट रहा था, इसीलिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में यह बगावत हुई है। हाजी अराफात ने कहा कि मैं दरगाहों पर जाकर दुआ मांग रहा हूं कि सबके विकास और हिंदुत्व के लिए काम करने वाली बीजेपी के साथ शिवसेना की सरकार बन जाए। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। दुआ करो कि महाराष्ट्र में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। मैं तो दुआ कर रहा हूं, मैं आज हाजी अली में भी किया, तीन दिन से मैं दुआ कर रहा हूं। कुछ चीजें जो मैं देख रहा हूं, मैं भारतीय विद्यार्थी संगठन से मैं काम कर रहा हूं, काफ़ी साल मैं शिवसेना में गुजारे, मैं शिवसेना का उपनेता करके भी काम किया। बहुत सारी जो चीज़ थी, जब हमने भारतीय विद्यार्थी संगठन जो देखी थी, हमने माननीय बाला साहब ठाकरे को देखा था, वो सारी चीज़ों को देखते हुए उस वक्त की सारी चीज़ें हमें याद है। स्टूडेंट विंग में काम किया, सारी चीज़ देखा, तो वो सारी चीज़ को हम जब देखते तो कभी कभी मुझे कुछ चीज़ों का भी दुख होता है। एक मुसलमान रहने के बाद भी दुख होता है, क्योंकि महाराष्ट्र का मैं भूमिपुत्र हूँ, मेरा गाँव पुणे, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, और वो जो सारी चीज़ें देखने के बाद वो चीज़ होती, तो तब ऐसा लगता है कि जो आमदार का जो मन में दुख है, तीन दिन से जो देख रहा हूं, वो अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। वो ये दुख है कि हमने जब देखा कि उस साल पहले हम जब देखते थे कि अबू आजमी माननीय बाला साहब ठाकरे हिंदू देश सम्राट के बारे में बुरा भला कहते थे, शिवसेना के बारे में बुरा कहते थे, वो आज उद्धव ठाकरे के ये बाजू में बैठे हुए नजर आते। छगन भुजबल जिन्होंने माननीय बाला साहब ठाकरे को जेल पहुंचाने तक के भी कसर नहीं छोड़ी थी, वो इस बाजू बैठते। तो कहीं ना कहीं जब मैं मुसलमान रहने के बाद मुझे ये सारी चीज़ की समझ होती है, दुख होता है कि ये सारी चीज़ हो रही है, कहीं ना कहीं गलत हो रही है। वो तो उनकी पार्टी से जुड़े हुए मराठी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, जिंदगी भर हिंदुत्व के लिए लड़े, उनको कितना दुख होता होगा। वो सारी चीज़ें छोटी सी सत्ता की लालच के अंदर ये सारी चीज़ों के, जब स्टेट ने दोनों को जिताया, हम ज़्यादा पहले नंबर पर आने के बाद भी हम तीसरे नंबर पर चले गए, वो कहीं ना कहीं एक पद की लालच थी, और पद की लालच के लिए ये सारी चीजें हुई, उनके आमदार चले गए। ये कहीं ना कहीं उनको ये सोचना पड़ेगा, जो शिवसेना के जो पदाधिकारी है, जो रस्ते पे जय भवानी जय शिवाजी बोलने वाला पदाधिकारी, जो रस्ते पे संघर्ष करने वाला पदाधिकारी, उनको कई ढाई साल में उनको दुर्लक्ष करने का काम कहीं ना कहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें, एक रिक्शा यूनियन के माध्यम से देखे, एक ट्रांसपोर्ट मंत्री बन गए अनिल परब, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी एक भी रिक्शा वाले के घर जाके ये पूछने की भी कोशिश कोरोना काल में नहीं की कि बाबा तुम्हारे को घर में तकलीफ तो नहीं है, तुम्हारे घर में कोई परेशानी तो नहीं है। रिक्शा चालकों की मुंबई में ऐसी दुर्दशा हुई कि उनको अपने बीवी का मंगलसूत्र तक के गिरवी रखना पड़ा, तब उनके घर का चूल्हा जला। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को भी सारी चीज़ समझ में आ रही, महाराष्ट्र की जनता को सारी बातें समझ में आ रही है। सरकार जल्द से जल्द बनना चाहिए, कि कीमती टाइम है, हर मिनट कीमती है, क्योंकि हम दो साल ऐसे घर में सब बैठे थे। हमारा मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाना चाहिए था, तो हमारा मुख्यमंत्री फेसबुक पे था, हमारा मुख्यमंत्री ट्विटर पे था, हमारा मुख्यमंत्री फेसबुक पे मदद कर रहा था, ये सारी चीज़। लेकिन हमारे विरोधी पक्ष नेता जो एक्चुअल मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी, वो रास्ते पे उतरे हुए थे, लोगों की मदद कर रहे थे, गांव गांव जा रहे थे, जिला जिला जा रहे थे, तालुका तालुका जा रहे थे, लोगों की खैरियत पूछ रहे थे, हर एक छोटे से छोटे इंसान को हॉस्पिटल में जाके मिल रहे थे। ये महाराष्ट्र की जनता ने ये भी नज़ारा देखा। सब्र करो और दुआ करो कि महाराष्ट्र में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। मैं तो दुआ कर रहा हूं, मैं आज हाजी अली में भी किया, तीन दिन से मैं दुआ कर रहा हूं, और जाके मैंने मन्नतें भी मांगी, मैंने वहां पे चादर भी पेश की, माहिम दरगाह का उरूस चला, वहां पे भी अर्जी डाली कि हमारा महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री आए। क्योंकि मैंने उनका काम देखा, जब हाजी अली दरगाह के मामला जब आया, तो हम देवेंद्र फडणवीस जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, हमने जैसी कहा उसका डिमोलिशन तो हाथों लगने नहीं दिया, ये भी काम हमने देखा। बांद्रा के अंदर एक कब्रिस्तान रेलवे लाइन में जा रहा था, तो हमने आशीष शेलार जी को जाके कहा कि हमारे बुजुर्गों की कब्र है, उसके ऊपर रेलवे नहीं जाएगी, तो उस कब्रिस्तान को बचाने के लिए रेलवे ब्रिज बना दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के काम है, और ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसी पार्टी सत्ता में जब आएगी, तो सभी लोगों का, अल्पसंख्यक समाज का भला होगा, शेतकरी का भला होगा, किसानों का भला हो जाएगा,
वाहतुकदारों का भला हो जाएगा, एक छोटे से छोटे व्यक्ति का भला होगा। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो चाहिए जो लोगों के बीच रह के लोगों के काम करे, मुझे लगता है इसीलिए खासतौर पर हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की फिर एक बार सरकार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।